आज भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के 50 वर्ष पूरे होने पर आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। विद्यालय परिवार को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज के इस अवसर पर मैं विद्यालय की 50 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा में अपना अमूल्य योगदान देने वाले समस्त विद्यालय के गुरुजनों का, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं कि उनकी मेहनत, उनके परिश्रम से विद्यालय की ये ऐतिहासिक यात्रा विद्यालय ने तय की है। भाइयों बहनों, मैं ऐसा मानता हूं कि विद्या एक ऐसी चीज है जो बिना गुरु के प्राप्त नहीं होती है। गुरु ही मानव जीवन को प्रकाश एवं उन्नति से अलोकित करने का काम, सशक्त बनाने का काम, अपने पैरों पर खड़ा होने का एक माध्यम अगर कोई हम सबको प्रदान करता है तो गुरु करता है, विद्या करती है। शायद कबीरदास जी ने भी ठीक कहा है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लगे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। यानी कि गुरु के बिना कोई भी रास्ता संभव नहीं होता है। इसलिए मैं इस अवसर पर राजनीति, साहित्य, शिक्षा, पत्रकारिता और सामाजिक जीवन में अपना अप्रतिम मान स्थापित करने वाले भक्त दर्शन जी को, जिन्होंने चार चार बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया, भारत सरकार के मंत्री के नाते उन्होंने संपूर्ण देश को अपनी सेवा देने का काम किया, और इस साथ ही एक राजनीति के क्षेत्र में रहते हुए भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि 62 वर्ष की आयु में, अभी दिलीप रावत जी मुझे बता रहे थे कि 62 वर्ष की आयु में ही उन्होंने राजनीति को छोड़ भी दिया। एक आदर्श रूप में उन्होंने जितने काम हो सकते थे उन सभी कामों को किया। मैं उनको इस अवसर पर भावपूर्ण अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। उनके परिवार के लोगों को, उनकी बिटिया यहां पर आई थी, उन सबको मेरे हाथों आयोजकों ने सम्मानित करवाया। मैं उनको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी की भूमिका निभाने के साथ साथ उत्तराखंड क्षेत्र के नागरिकों के हितों की प्राथमिकता देने के पक्षधर रहे भक्त दर्शन जी का जीवन राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों ही रूप से उत्कृष्ट रहा है। उनके बारे में हम उनका जितना स्मरण इस अवसर पर करें उतना कम है। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व जो हमारे बीच से चले गए उनको हम आज भी याद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह प्रेरणा हमको देते हैं कि व्यक्ति अगर अपने जीवन में समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने को समर्पित करता है तो राष्ट्र उनको सदैव सदैव के लिए वो अमर हो जाते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज हम उनके इस स्कूल के, जहां स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर उनका स्मरण कर रहे हैं। इस राजकीय महाविद्यालय का नामकरण ऐसी महान विभूति के नाम से किया जाना विराट व्यक्तित्व को हम सब की तरफ से एक सूक्ष्म श्रद्धांजलि है। भाइयों बहनों, इस महाविद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने जिस प्रकार से भक्त दर्शन जी के कामों को आगे बढ़ाने का काम किया है वह अद्वितीय है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं आप सबकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं। अपने गौरवशाली अतीत को याद करने का जो कार्य आप लोगों ने इस समारोह को आयोजित करके किया है वह यह दर्शाता है कि आप लोग अपने आप के माध्यम से अपने अतीत को, जिन्होंने हमारे सामने एक सुंदर दृश्य हम सबके लिए छोड़कर गए, शिक्षा का एक संस्थान हम लोगों के सामने आज एक भव्य रूप लेता जा रहा है, एक बड़ा आकार लेता जा रहा है, ये कहीं न कहीं उनके किए हुए कार्यों को सच्ची श्रद्धांजलि है। और हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। अपने प्रारंभिक काल से ही इस महाविद्यालय ने राष्ट्र निर्माण और प्रगति हेतु योग्य मानव संसाधनों को निर्मित करने का कार्य किया है। इस महाविद्यालय से निकलने वाले विद्यार्थी सामाजिक कल्याण के लिए सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्रों में निरंतर कार्य करते आए हैं, और
मुझे अपने मंच पर आचार्य जी ने और दिलीप रावत जी ने बताया कि इस महाविद्यालय से जहां हमारे राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी जो अभी सांसद हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हमारे मुख्यमंत्री रहे, दोनों ही लोगों ने यहां से पढ़ाई की है। निश्चित रूप से यह विद्यालय अपने आप में एक अलग प्रकार की छवि इसकी पूरे प्रदेश में और देश में जाएगी। आने वाले समय में सेना और पुलिस प्रशासन में भी अद्वितीय कार्य करने वाले अनेकों अधिकारी यहां से निकले हैं। इस महाविद्यालय से निकले हुए विद्यार्थियों ने हमेशा समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, समाज निर्माण का काम किया है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर इस महाविद्यालय से आप सभी ने देश और प्रदेश के विकास हेतु अपने दायित्वों का पालन किया है। उसी प्रकार आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक आने वाले भविष्य की नींव रखी जा रही है। एक यशस्वी भारत बनाने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर जहां संस्कृति के संरक्षण का ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है, वहीं भारत की युवा पीढ़ी अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। आजादी की 75 साल पूरे होने पर पूरे देश के अंदर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऐसे कार्यक्रमों में हमने जहां आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जवानी दी, अपनी जिंदगानी दी, अपने आप को लगाने का काम किया, थमाने का काम किया, उन सभी का हमने स्मरण किया। वहीं ऐसे नाम, बेनाम नाम जो हम सबके सामने नहीं आ पाए, उन सबको भी इस आजादी के अमृत महोत्सव में हमने याद किया। वहीं जहां हमने अपनी उपलब्धियों को स्मरण किया, वहीं आगे के लिए भी संकल्प लिया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो युवा भारत बनना है, युवाओं के भविष्य का निर्माण होना है, इसको हमने अमृतकाल की संज्ञा दी है। और इस अमृतकाल में ये 2022 से लेकर 2047 तक का कालखंड हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड है, जिसमें भारत का निर्माण होना है। और भारत इन 25 सालों में दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनेगा, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा। भाई बहनों, थोड़ा सा हम अगर उस कालखंड की याद करें कि 2014 से पहले का भारत, उस समय भारत वैश्विक मंचों पर अपने हितों की बात नहीं कर पाता था, दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाता था। हमारी पहचान हो गई थी एक डब्बू भारत, पिछलब्बू भारत, अपने हितों की भी बात ना कर पाने वाला भारत। आज 8 सालों के बाद हम कह सकते हैं कि भारत की पहचान आज जहां समरस भारत के रूप में, समर्थ भारत के रूप में और शक्तिशाली भारत के रूप में, और अपने हितों के लिए दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकने वाले भारत के रूप में हमारी पहचान हो रही है।